राजनांदगांव में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से जय स्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग है कि अमेजन के हालिया मामले में इस कंपनी के संबंधित अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पुलवामा के मामले में अमेजन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं जीएसटी काउंसिल ने कपड़े और फुटवेयर पर लगे 12% जीएसटी की दर को भी वापस लिए जाने की बात कही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। सभी सामानों और टैक्स बढ़ाने से कीमतों के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी, इसका पूरा भार आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ड्रग सप्लाई की जा रही है, वो भी गलत है। ऐसे ही जनता महंगाई से त्रस्त है और वेट बढ़ने का सीधा असर जनता के महंगाई पे आता है। सरकार जो ऑनलाइन जो कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, इससे हमारे फुटकर व्यापारी और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान है। यह सिर्फ चैंबर ऑफ कॉमर्स का धरना नहीं है, ये आम जनता हर व्यापारी का धरना है। हम प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि जनता के महंगाई कम करने का सबसे सरल और आसान तरीका जीएसटी कम किया जाए। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और केट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये संज्ञान पे लाया इस मुद्दे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। चूंकि देख रहे हैं अमेजोन और ये जो ऑनलाइन पूरी खरीदी बिक्री है उसमें पूरे नशीले पदार्थ और बहुत ही नुकसान हो रहा है हम व्यापारियों को, एवं जो 5% से 12% टैक्स किए हैं वो सभी के विरोध के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पूरे प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर सब जगह पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का संयुक्त धरना प्रदर्शन है। बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस तरह से कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है और जूते चप्पल पर 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, पेन बॉल पेन पर 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है जो विद्यार्थियों के उपयोग की चीज है, तो इन सब चीजों से कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका पूरा जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उन पर इसका जोर पड़ेगा। और हम प्रधानमंत्री महोदय से यही अनुरोध करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि इस पर विचार करें और जीएसटी कम से कम करें।